अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मॉम नवनीत। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और अभी बज गए हैं सुबह के 9:30। आशु चले गए हैं अपने ऑफिस और दोनों बच्चे मेरे आज घर पर हैं क्योंकि उनकी जो वेकेशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरे सुपर बिजी डेज जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं अपने बच्चों के साथ क्योंकि अभी मॉर्निंग हो रही है और अभी अभी जस्ट मेरे पास फरमाइश आई है ब्रेकफास्ट के लिए कि मम्मा आज आप ब्रेकफास्ट में हमारी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाओ। सो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ किचन में और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पिज्ज़ा ब्रेड जो कि मैं तवे पे मैं बनाऊँगी, आज ओवन में नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो ओवन का सॉकेट है, स्विच है, वो थोड़ा ख़राब है। तो इसलिए मैं अपना तवे पे ही आज मैं पिज़्ज़ा ब्रेड अपने बना रही हूँ और साथ में मैं बनाऊँगी चॉकलेट बनाना शेक क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद है। तो अभी जस्ट चलते हैं किचन में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। और कल मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी बिजी थी क्योंकि कल हम लोगों ने, मैंने और नीति ने थोड़े से बनाए हैं DIYs, थोड़े से क्राफ्ट की चीज़ें हम लोगों ने बनाई क्योंकि नीति के स्कूल जो हैं उसमें उसको कुछ थोड़े से क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स मिले थे तो हमने वो बनाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने और नीति ने क्या क्या बनाया है। थोड़ी बहुत ही कलाकारी तो मतलब कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये बनाया है हमने कल, सो ये DIY फ्लावर बंच हमने बनाया है और साथ में बनाया है ये फ्लावर वेस। सो आप बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है ये। वैसे मुझे तो इसको देख देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब आप अपने हाथों से कुछ चीज बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। सो आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बनाया है एक और DIY। एक मिनट, मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। तो ये देखिए, एक मैंने बनाया है ये स्टोरेज बॉक्स। तो कैसा लग रहा है ये मुझे बताइएगा जरूर। तो कल हम लोगों ने यही सब काम किए और अभी भी आप देखिए यहाँ पर मेरे टेबल पे कितना सारा ये सामान फैला पड़ा है क्राफ्ट का। सो कल हम लोगों ने ये एक दो चीजें बनाई हैं, अभी और भी बहुत सारी मैं बताऊंगी क्योंकि थोड़ी बच्चों की वेकेशंस हैं, इसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमें मिलते रहते हैं स्कूल से। तो मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि हम वेकेशंस पे जाएं तो जो इसके नीति के क्राफ्ट्स के थोड़ा बहुत हमें कुछ बनाना है तो मैं उसको कंप्लीट करके जाऊँ ताकि हम फ्री होकर अपनी वेकेशंस में घूम पाएँ, हमें टेंशन ना रहे कि भाई अभी नीति का ये बनाना है वो बनाना है क्योंकि फिर एन मोमेंट पे ना बड़ा मुश्किल लगता है जब आपको याद आता है ना कि अरे यार हमें वो भी बनाना था, अरे यार वो भी बनाना था। तो इसलिए मैंने पहले ही ये सब जो इसके क्राफ्ट वगैरह है मैं पहले ही बना के रखी हूँ। वैसे ये तो क्राफ्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने अपने अलमीरा के लिए ये स्टोरेज बॉक्स बनाया है। ये देखिए, ये खाली छोटा सा कार्टन मेरे पास पड़ा था तो मैंने उसको ग्लेज शीट्स लगा के थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। सो चलते हैं अभी किचन में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले तो मैं अपने बाल बांध देती हूँ क्योंकि मैंने किया था आज हेड वॉश, इसलिए मेरे बाल जो हैं वो मैंने खोले हुए थे। तो सबसे पहले लगा देती हूँ क्लच। सो फ्रेंड्स, पिज्जा ब्रेड बनाने के लिए मैंने ले ली है यहाँ पे वाइट ब्रेड और साथ में मैंने लंबी कटी हुई प्याज ली है और साथ में यहाँ मैंने ली है शिमला मिर्च, उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है और साथ में मैं ले रही हूँ मिल्क क्रीम यानी कि मलाई और साथ में मैंने ले ली है सूजी। तो अब जस्ट मैं जो हम पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर टॉपिंग लगाएंगे तो वो मैं तैयार करूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना टॉपिंग।
सो यहाँ टॉपिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जो हमने लंबी प्याज काटी थी और शिमला मिर्च, तो मैं दोनों को कंटेनर में डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं फिर इसमें डालूंगी मिल्क क्रीम यानी कि मलाई, और साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी सूजी, और सूजी में इसमें केवल 3 से 4 चम्मच छोटे चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि सूजी जो है थोड़ी सी फूलती भी है। तो यहाँ मैंने डाल दी है सूजी। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और साथ में मैं डालूंगी लाल मिर्च। सो हमारा जो टॉपिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसको ब्रेड पर लगाने से पहले अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो नमक या मिर्च हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से इस टॉपिंग में मिक्स हो जाएं। तो मेरी जो टॉपिंग है देखिए आप अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको लगाऊंगी ब्रेड पर। सो मैं एक एक करके सब ब्रेड पर जो है इस टॉपिंग को अच्छे से फैला लूंगी। तो यहाँ मैं सब ब्रेड पर एक एक करके इस टॉपिंग को फैला रही हूँ। उसके बाद में जब मेरी टॉपिंग जो है सब ब्रेड पर लग जाएगी उसके ऊपर से मैं इस पर डालूंगी थोड़ा सा टोमेटो केचप, और साथ में मैं थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, उससे जो फ्लेवर है हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड का वो बहुत ही अच्छा आएगा। सो अब मैं यहाँ स्प्रिंकल कर रही हूँ सब ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला। उसके बाद में फिर हम अपने तवे पर इन ब्रेड को जो है रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तवे पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। अब मैं अपने जो स्लाइसेस हैं उनको इसके ऊपर रख लूँगी। सो यहाँ मैं 3 स्लाइसेस रख रही हूँ क्योंकि मेरे तवे पे 3 स्लाइसेस ही आएंगे। और उसके बाद मैं इसको लिड लगाकर इसको गैस को सिम पे कर दूँगी बिल्कुल, और इनको थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकने दूँगी ताकि जो बेस है ब्रेड का वो भी अच्छे से पक जाए और ऊपर जो हमने इसकी टॉपिंग लगाई है वो भी अच्छे से हो जाए। तो जब तक मेरे ब्रेड जो हैं पिज़्ज़ा ब्रेड सिक रहे हैं तब तक मैं बनाना स्टार्ट करूंगी अपना बनाना शेक, चॉकलेट बनाना शेक। तो उसके लिए मैंने डाल लिए हैं 3 केले और साथ में मैं डाल रही हूँ 4 गुड्डे बिस्किट्स। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी कुकीज़ डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच कोको पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच चीनी, आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी 1 ग्लास दूध। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो चॉकलेट बनाना शेक की रेसिपी है ये बहुत ही यमी शेक बनता है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं जल्दी से इसको बना देती हूँ। तो मेरा जो आज का ब्रेकफास्ट है यमी किड्स स्पेशल ब्रेकफास्ट है वो बन के रेडी है। तो मेरी पिज़्ज़ा ब्रेड भी है वो बन गई है और साथ में मेरा शेक जो है वो भी हो गया है रेडी। अब मैं जल्दी से करती हूँ इसको सर्व अपने बच्चों को और हम लोग अब बैठ के आराम से करेंगे ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हो गया है, तो अभी मैं चादर फोल्ड करके रख देती हूँ।
सो चलो एमी लेट जाओ चलो सो फ्रेंड्स हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हो गया है और अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ तो अभी मैंने कुछ टॉप जो है वो ऑर्डर किए थे माइंत्रा से तो वो पार्सल मेरा परसों में हाँ परसों को मिला था मुझे सो उसका भी अभी मुझे हॉल वीडियो बनाना है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें अपने टॉप तो ये देखिए तो 3 मैंने जो है ना ऑफ शोल्डर नहीं कोल्ड शोल्डर टॉप्स मंगवाए थे माइंत्रा से सो जाओ बेटा नहीं सो जाओ ये देखिए 3 टॉप्स मैंने मंगवाए थे माइंत्रा से हाँ परसों को मेरा पार्सल मुझे मिला है तो अभी जस्ट मैं आज सोच रही हूँ कि मैं इसका भी हॉल वीडियो जो है वो बनाऊंगी और पीछे देखिए दोनों बच्चे जो हैं अब सो जाओ बेटा आप थोड़ी देर सो जाओ पेपर दे दो नहीं इसका पेपर नहीं अभी ये क्या नहीं ना वो नहीं अभी नहीं निकाल सो जाओ तो इनका भी अभी जस्ट मुझे हॉल वीडियो जो है वो शूट करना है और वो देखिए पीछे तो कल मैंने अपना एयरबैग भी बाहर निकाल लिया है क्योंकि अब एमी की भी वेकेशन स्टार्ट हो गई है बस कल मुझे जाना है इसके स्कूल में क्योंकि पीटीएम है और कल से पीटीएम है अमृत की देखते हैं मैम क्या कहती है अमृत की नानी के घर जाना है सो अमृत जो बहुत एक्साइटमेंट है इसको इतना एक्साइटमेंट है नानी के घर जाने का मतलब आप जाके नानी को परेशान करोगे मैं अकेले रहूंगा अकेले दीदी आ जाएगी और मम्मा मम्मा पापा और मम्मा पापा नहीं आएंगे क्योंकि हम दोनों बहुत मना करते हैं ना मम्मा पापा डांटते हैं ना इसलिए हम दोनों नहीं आएंगे साथ में आज दो ही बार आओगे तो कल मैंने निकाल लिया था अपना एयरबैग क्योंकि अब मैं आज शाम से मैं स्टार्ट कर दूंगी अपनी पैकिंग बच्चों का तो बैग मैंने पैक कर लिया था पहले ही मगर अपना मैं आज शाम से स्टार्ट कर दूंगी सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट रूटीन अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर